से ट्राई कर रहे हैं कि उनको इतनी आसानी से वो कहने के फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का। टीम गॉडलाइक की बात के तो ब्रेच पे है, सामने 8-bit है और 8-bit जरूर से यहाँ पे जाएंगे कि चीजें थोड़ी कंट्रोल पे आ सके। चौथा की बात करें यहाँ पे सॉन के साथ मैट पे यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो स्पॉट मिल रहा नहीं रहा। वाइपर यहाँ पे बात करें तो राइट साइड जरूर से देखने को मिले मैट ब्रिज के आस पास है और मैं एक बार जरूर से सर्कल की तरफ नजर लेके जाना चाहूंगा क्योंकि सर्कल यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बना रहा है टीम्स के लिए क्योंकि आइलैंड सिलेक्ट किया गया है सदर पार्ट में कंप्लीटली एंड गमला बॉय और जॉके न्यू प्लेयर वन को फिलहाल यहाँ पे मुश्किल में डालेंगे। एंड सर्कल देखे काफी टीमें ब्रिज पे फंस के रख चुके हैं। टीम गॉडलाइक और फिर टीम सोल, यहाँ से कोई एक टीम हम लोग को आगे जाते हुए देखने को मिले, क्या वो टीम गॉडलाइक होगे या फिर वो टीम सोल होगे। डाउन साइड में FYD के भी प्लेयर्स है जिनको यहाँ पे पनिश कर रहे हैं। जी गॉड वहां पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे नॉक निकालने की जो बारी है वो देखने को मिल रहा है। एडी को फिनिश ऑफ भी किया जाएगा जी गॉड की तरफ से और चौरा की तरफ से ये ग्रेनेड 8-bit के मेंबर्स भी यहां पे देखने को मिलेंगे। यूओपी की तरफ ग्रेनेड तो किया गया, कनेक्शन भी लगेगा चौरा की तरफ से लेकिन उसके बाद चौरा को यहां पे पीछे से बैक स्टेप करता है और के वेक से आते हैं चौरा को यहां पे नॉकआउट करते हैं। फिनिशिंग करने में भी कामयाब हो चुका है। अब ये तीन प्लेयर सर्कल की तरफ जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं लेकिन चल मारे क्लच गॉड अभी भी ब्रिज में फंस गए हैं और जो एक बैकअप चाहिए जो एक उम्मीद थी वो थोड़ी सी मुश्किल में है लेकिन चल चल से बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। चल बिल्कुल मौका नहीं देंगे, नॉक करेंगे फिनिश भी करेंगे। अब क्या ये सर्कल में जाने का प्लान है? बहुत अच्छा प्लान रहेगा क्योंकि चौथा सर्कल है, आप यहाँ पे रुक के रखना अपने आप को नहीं चाहोगे, कुछ ही सेकंड पे आप मैच से बाहर कर दिए जा सकते हैं। एग्जैक्टली सही कॉल सही डिसीजन। चल एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करते हैं फिनिश ऑफ करते हैं 8-bit युवा का भी यहाँ पे फिनिश आ जाएगा जो कि जोनाथन की तरफ से वो ग्रेनेड था।